मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट से संतोष सैनी आदर्श बालिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 6 की संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा 10 का चैप्टर है कशिका गर्भवीरा क्रमवीर महिला कृषक। आज हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, और जैसे जैसे मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नोट करवा रही हूँ, साथ साथ में आप नोट करते जाइएगा। ओके, तो देखो पहला श्लोक है, तो कहता लिखो कहता, है ना। अब लिखोगे कैसे, वो ऐसे लिखोगे जैसे सुगेश तक्कू मेघा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये है इसी श्लोक का अर्थ। सुगेश तक्कू, सुगेश तक्कू मेघा। ठीक है, अब आप लिखोगे इसका अनुवाद। ठीक है, देखो चाहे सूर्य तपे, देखो चाहे चाहे सूर्य तपे, चाहे सूर्य तपे, चाहे बादल अधिक जल बरसाए, चाहे बादल अधिक, चाहे बादल अधिक जल बरसाए, जल बरसाए, यानी चाहे सूर्य ज्यादा तपे या बादल अधिक जल बरसाए, किसान को लगातार सर्दी के कार्य करते रहते हैं, लगातार सर्दी में कार्य करते रहते हैं। सर्दी में कार्य करते रहते हैं। अब अपना जो सेकंड वाला श्लोक है वो उसका अनुवाद करती हूँ, तो देखो है, लास्ट है क्षेत्राणी कष्ट है, क्षेत्राणी कष्ट है। फिर इसके बाद में को अनुवाद, गर्मी में पसीने से भीगा हुआ, गर्मी में
गर्मी में पसीने से भीगा हुआ उनका शरीर गर्मी में पसीने से भीगा हुआ उनका शरीर सदा कंपमय सदा सदा कंपमय या कंपन युक्त सदैव कंपन सदा कंपन युक्त होता है कंपन युक्त होता है तथापि कंपन युक्त होता है तथापि वे हल्के द्वारा और बाल के द्वारा तथापि वे हल्के द्वारा और उदाल के द्वारा और उदाल के द्वारा खेती जोतते हैं या खेत जोतते खेत जोतते हैं खेत जोतते हैं। नोट करो बेटा अब इसी से आगे लिखो थर्ड वाला श्लोक है पादयोर ने पवित्राणे पवित्राणे फिर है दूरे ही तिष्ठति
अब इसका करो बात। देखो पैरों में न जूते हैं, पैरों में न जूते हैं, न जूते हैं न शरीर पर, और ना ही क्या है न शरीरे वस्त्राणि, नो शरीर पर वस्त्र है और न शरीर पर न शरीर पर वस्त्र है, ना तो पैरों में जूते हैं और ना ही शरीर पर वस्त्र है, उनका जीवन यानी उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है, उनका जीवन निर्धन और निर्धन और कष्टमय है, निर्धन और कष्टमय है, और सुख तो उनसे कोसों दूर ही रहता है, यानी सुख तो किसान से दूर ही रहता है। सुख तो किसान से, सुख तो किसान से दूर ही रहता है, दूर ही रहता है। अब नेक्स्ट वाला श्लोक है, ग्रहण जीर्णम न वर्षासु, गृहम जीर्णम दो
करने में भी समर्थ नहीं है। वर्षा हो दूर करने में भी समर्थ नहीं है। दूर करने में भी समर्थ नहीं है। और तथापि उन महिला किसान की महिला किसानों की भावना यानी उन महिला किसानों की भावना है वो क्या? किसानों की परिश्रम की भावना, किसानों की परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है। नष्ट नहीं होती है। यानी घर पुराना है, वर्षा का जल है वो भी रोक पाने में सक्षम है, नहीं है। और वो यानी वर्षा को दूर करने में भी समर्थ नहीं है। और फिर भी जो महिला किसानों की जो परिश्रम की जो भावना है, यानी जो निरंतर परिश्रम करने के मन में उसके मन में जो भावना है, उस भावना से वो कभी भी नष्ट वो भावना कभी भी नष्ट नहीं होती। यानी वो हम निरंतर परिश्रम करने में लगे रहते हैं। नोट करो बेटा, हो गया क्या? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये जो सुनोट करवाए हैं उनका आपको ट्रांसलेशन अपनी संस्कृत की फेयर नोट बुक में करना है ना, और साथ साथ में इसको पढ़ के और इसका अनुवाद भी आपको करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसके शब्दार्थ और सारे आपको अपनी फेयर नोट बुक में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।